हेलो गाइस, फाइनली गुड न्यूज आ चुकी है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एसआई की भर्ती परीक्षा को लेकर के। गाइस, यहां पर 7,500 आरक्षकों की और 500 एसआई के पद आने वाले हैं। इसके लिए अगस्त में नोटिफिकेशन आने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले अपन न्यूज के बारे में चर्चा करने वाले हैं, देन अपन डिस्कस करने वाले हैं नोटिफिकेशन कब तक आएगा, और गाइस जो हाइट को लेकर के एक न्यूज भी आई थी उसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। क्या हाइट में कमी इस बार भर्ती में देखने के लिए मिलेगी, और गाइस कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। सो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं 7,500 आरक्षकों और 500 उप निरीक्षकों की भर्ती अगस्त में होने वाली है। गाइस, पुलिस विभाग की तरफ से प्रस्ताव भेज दिया गया है। अब इसका निर्णय पीवी को, यानी कि जो बदला हुआ नाम है ESP, उसको लेना है कि इसकी कब तक भर्ती होनी है, नोटिफिकेशन कब तक आना है। गाइस, अनुमान यही लगाए जा रहे हैं कि अगस्त महीना पीवी के पास खाली है, तो अगस्त में एमपी पुलिस का नोटिफिकेशन आने के पूरे पूरे चांस बन रहे हैं। गाइस, अगस्त में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो बहुत बड़ी न्यूज़ है सभी एस्पिरेंट के लिए। इसका जो ज्वाइनिंग लेटर है वह चुनाव के बाद आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज अभी आप सभी को पता ही है कि 6,000 आरक्षकों के 26-27 जनवरी के दिन यहाँ पर जॉइन लेटर दिए गए हैं। तो गाइस, 26 जनवरी को इसकी घोषणा की गई थी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही जानकारी इसके बारे में दे दी गई थी मेरे द्वारा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं भोपाल द्वारा प्रकाशित है, पुलिस में 7,500 आरक्षकों और 500 उप निरीक्षकों की भर्ती इसी वर्ष अगस्त से शुरू होगी। कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से इन पदों पर भर्ती की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने कर्मचारी चयन मंडल को भर्ती के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। तो गाइस, अब इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। आवेदन शुरू होने से लेकर भर्ती होने तक की पूरी प्रक्रिया में करीब 6 माह लगेंगे। चयन के बाद ज्वाइन करने के लिए 1 माह का समय दिया जाएगा। इस तरह अगले वर्ष जनवरी फरवरी में भी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पहली बार एक साथ इतनी बड़ी संख्या में आरक्षकों की भर्ती की जा रही है। बता दें कि इससे पहले 6,000 आरक्षकों की भर्ती बीते वर्ष की गई थी। इस बार चयन के मापदंडों में भी बदलाव किया जा रहा है, इसलिए शारीरिक दक्षता के अंकों को जोड़कर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी, और आरक्षक पद के लिए 50% आपके शारीरिक दक्षता और इतने ही अंक आपके लिखित परीक्षा के होंगे। तो गाइस, इस बार की भर्ती में आपका 50% और 50-50 का आपका रहने वाला है रिटर्न और फिजिकल के लिए। तो केयरफुली आपको अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। आई होप आप सभी अपनी अपनी तैयारी में जुट गए होंगे। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं उप निरीक्षक पद के लिए साक्षात्कार भी होगा। इसके लिए लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता और साक्षात्कार के अंक मिलाकर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी। 50% अंक लिखित के, 10-12% अंक साक्षात्कार के, जो कि आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के भी आपके SI में इस बार नंबर जुड़ने वाले हैं। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2012 के पहले तक शारीरिक दक्षता के अंकों को जोड़कर ही प्रावीण्य सूची बनती थी, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया था। अब यह माना जा रहा है कि बौद्धिक क्षमता के साथ ही शारीरिक दक्षता भी जितनी अच्छी होगी, पुलिस की कार्य क्षमता उतनी ही बेहतर होगी, तो इसी के कारण दोनों को समान महत्व दिया जा रहा है। तो गाइस, इस बार आपकी भर्ती में संशोधन होने वाले हैं, काफ़ी रूल चेंज होने वाले हैं। तो जो विद्यार्थी जितनी अच्छी रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, उतनी ही अच्छी आपको फिजिकल की तैयारी भी करनी चाहिए। गोल यहाँ से आपको बहुत कंपटीशन देखने की मिलेगा। तो गाइस, अब बात करते हैं हाइट को लेकर के। तो पिछली बार जो भर्ती आई थी 6,000 पुलिस कांस्टेबल की, उसमें से आपकी जो फीमेल की वैकेंसी थी खाली चली गई थी। खाली इसलिए चली गई थी क्योंकि उनकी हाइट इसमें बहुत ज़्यादा मांगी जाती है। तो यह प्रस्ताव भी बीवी के पास पहुँचा है कि महिलाओं की हाइट को कम किया जाना चाहिए। तो इस पर भी तैयारी चल रही है। इसको लेकर के जैसे ही कोई अपडेट आता है तो मैं आपको जल्द वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। सो गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें MP पुलिस से रिगार्डिंग पल पल की अपडेट पाने के लिए। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक करना और अपने सभी फ्रेंड में शेयर जरूर कर देना। गाइस, आपके शेयर करने से आपके जितने भी विद्यार्थी साथी हैं जो कि MP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और उनको जानकारी नहीं है, तो उन्हें जानकारी मिल जाएगी और आपके एक शेयर करने से उनके लिए फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।